गुड मॉर्निंग एवरीवन। वे सभी छात्र जो आरसीवी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो रीजनल सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी के जो एडमिशन फॉर्म है 2022 और 23 सेशन के लिए वो आ गए हैं। यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमएससी एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एम फार्मा, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो मार्क्स क्वालिफिकेशन है वो 60% एग्रीगेट होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि वो 55% अगर उनका स्कोर है तब भी वो इसके लिए एलिजिबल है। बात करें नंबर ऑफ सीट की तो टोटल 20 सीट्स हैं। और इसके साथ साथ आपके पास में कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, या फिर कोई और फेलोशिप जो जिसका टाइम जो है वो 5 साल के लिए वैलिड हो। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें आपको क्या करना होगा कि फॉर्म को फिल करना होगा। उस फॉर्म को फिल करने की जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। और जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं इंडिविजुअल, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको रिटन टेस्ट देना होगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू की जो डेट है वो 17 और 18 जनवरी है, जो आपको आरसीबी फरीदाबाद में जाकर के देना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपका वहां पर ज्वाइनिंग हो जाता है तो यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये फीस आपको वहां पर फिल करनी होगी। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 25 दिसंबर रखी गई है। और यहाँ पर एक नीचे ईमेल आईडी दिया गया है, अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी कंफ्यूजन या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इस ईमेल पर जाकर के आरसीबी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।